क्या आदेश आया इसमें? देखिए 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और सपा सरकार, उन दोनों के संयुक्त जो सरकार केंद्र के अंदर चल रही थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लगातार अपराध, उन सब के विरुद्ध जब रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पहले से ही ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसी के सामने सांकेतिक रूप से हम लोग खड़े हुए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर, हमारे विजय शुक्ला जी जो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में, यशपाल पंवार जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, अशोक कंसल जी विधायक रहे हैं, और हमारे वैभव त्यागी जी, उमेश मलिक जी माने विधायक, ऐसे मिलाकर वैभव जी, ऐसे मिलाए थे पवन तरार जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, यानी पार्टी के सब लोग, सुनील तायल जी, ऐसे सब लोगों को जबरदस्ती अनावश्यक रूप से फर्जी मुकदमे कायम करने का काम किया। हमको ये कहा भी गया कि आप कन्फेस कर लो कि हमने अपराध किया है, पर चूंकि हमने कोई ना गलती की थी, ना कोई अपराध किया था, और ना ही रेलवे किसी प्रकार की हानि पहुंचाई, और सांकेतिक रूप से केवल ये मैसेज देने का काम किया कि जो सरकारों के गुंडई, भ्रष्टाचार, लूट कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहे हैं। तो आज माननीय न्यायालय के द्वारा लंबे एक बहस के बाद हम सबको सम्मान उसमें अपराध मुक्त किया गया, बरी किया गया। हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग बरी किए गए आपका? 9 लोग। 8 लोग। कितने साल चला है मुकदमा? 2012 से लेकर 10 साल चला। 10 साल।